गंगा को स्वच्छ करने की मुहिम को लेकर आज बलिया से गंगा यात्रा रवाना होने वाली है, जिसको राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रवाना करेंगी। यह यात्रा शाम को तकरीबन 3 बजे के बाद गाजीपुर की सीमा में प्रवेश करेगी और इसी कलेक्टर घाट पर जो है आज शाम जो है गंगा आरती की जाएगी और जनसभा का भी आयोजन है। गंगा आरती को लेकर इस कलेक्टर घाट को पूरी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और जैसा भी देखा भी जा सकता है कि यहाँ पर रंग रोगन, रंगोली, पेंटिंग और बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर देखा जाए कि भारत का नक्शा और अमर जवान ज्योति का भी जो है एक तस्वीर बनाई गई है, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। हम लोग यहाँ पे आए हैं रंगोली बनाने के लिए, अरे गंगा निर्मलता एवं शुद्धता के लिए हम लोग को स्कूल से भेजा गया था यहाँ पे रंगोली बनाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे दिए की रंगोली आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ने बनाए हैं रंगोली, अभी और बनानी है। तो क्या लगता है अन्य लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या सिर्फ दिए बार बार जला लेने से गंगा साफ हो जाएगी या क्या कुछ कहोगे लोगों से? नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि गंगा को साफ करना और उसकी शुद्धता हम लोग का मानवीय कर्तव्य है। ये गंगा जी की यात्रा हमेशा गाजीपुर का इतिहास रहा है और यह जनपद गंगा जमुनी तहजीब के लिए माना जाता है और इसी के साथ एक अविरलता का संदेश देने का काम किया जा रहा है, जिससे माँ गंगा के साथ जुड़ करके इसकी अविरलता को घर घर पहचाना जा सके और इसके में जो कूड़े करकट लोग डाल रहे हैं इसको अविरलता को पहचान कर इसे दूर हटे और गंदगी के प्रति एक जो नफरत की भावना लोगों में डालनी है हम लोगों को, क्योंकि गंदगी से ही हमें नफरत करना है और स्वच्छता को अपनाना है, तभी इस देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है, ऐसा हमारे महात्मा गांधी जी ने खुद कहा। उत्तर प्रदेश में 2 जगहों से गंगा यात्रा का शुभारम्भ हो रहा है, एक बलिया से बनारस गाजीपुर बनारस होते हुए प्रयागराज होते हुए कानपुर बयाज जाएगा और दूसरी यात्रा बिजनौर से चल के कानपुर बयाज को जाएगी, जो 31 तारीख को वहाँ समागम समापन होगा। गंगा यात्रा का उद्देश्य अविरल गंगा निर्मल गंगा है। मोदी जी और योगी जी पूरे तन मन से लगे हुए हैं कि गंगा जी को शुद्ध किया जाए, गंगा का पानी साफ रहे और गंगा जी के अगल बगल के गाँव की सफाई, शहरों की सफाई अच्छे ढंग से रहे, ताकि इस देश में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत अविरल गंगा निर्मल गंगा, गंगा माँ हमारी माता है, इस स्वरूप लोग उसका अनुसार। देखिए, गंगा यात्रा जो हमारे जनपद में आ रही है, कुल 14 स्थानों पे हमारे जनपद में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। 2 स्थानों पे एक बड़ी जनसभा की जाएगी। यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं कलेक्टर घाट पे, यहाँ आज शाम को एक भव्य गंगा आरती होगी और कल प्रातः यहाँ पर गंगा पूजन का कार्यक्रम होगा। तो कुल इस तरह का जो है कार्यक्रम बनाया गया। ऐसे में सर आज जो है जनसभा भी होनी है, गंगा आरती भी होनी है, उसको लेकर क्या किन वीआईपीओ के आने की अभी तक सूचना है? देखिए, इसमें कई हमारे माननीय मंत्रीगण होंगे, 5 और 6 माननीय मंत्रियों का हमारे पास अभी तक प्रोग्राम आ गया है। इसके साथ गंगा यात्रा में जो दल है वो आ रहा है और बड़ी संख्या में गाजीपुर के लोग, यहाँ के जो नागरिक हैं, वो इसमें सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। क्या सर उसमें कोई केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं या राज्य के ही मंत्री लोग? इसमें केंद्रीय मंत्रीगण भी हैं।